दिल्ली पुलिस के एक जवान को एक जिम का मालिक कथित तौर पर पीटता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि यह जवान द्वारका दिल्ली में अपनी ड्यूटी पर तैनात था। वहीं इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया गया है। वीडियो में दिखाया गया है कि दो लोग गालियां देते हुए पुलिसकर्मी को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के अनुसार घटना दो सप्ताह पहले हुई थी। सुशील के रूप में पहचाने जाने वाले पुलिसकर्मी को पहले संजय गुप्ता नाम के एक व्यक्ति के निजी सुरक्षा अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था और 1 अप्रैल को वह उत्तम नगर गए, जहां गुप्ता के रिश्तेदारों के साथ उनका विवाद हो गया। वहीं कहा सुनी होने के बाद गुप्ता के परिवार ने पुलिस के जवान को पीट दिया। बता दें कि मारने वाला संजय गुप्ता का भाई रिंकू है, जो बॉडी बिल्डर है और जिम चलाता है। बता दें कि ओम विहार में संजय गुप्ता का दफ्तर है और सुशील सिपाही भाजपा नेता संजय गुप्ता का PSO तैनात है। वहीं इस घटना पर टिप्पणी करते हुए DCP द्वारका मीना ने कहा, प्रथम दृष्टिया में एक पुलिस पर हमला करने का मामला सामने आया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से लेती है। घटना की जांच की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी।